तो आज मैंने आपको ये सारी बात बता दी जो कि मेरे दिमाग में कई दिनों से चल रही थी। अब बस आप अपना कमेंट बताओ कि क्या करना चाहिए, मैं सही सोच रहा हूँ यानी। कितना दुख सा हो रहा है कि हमें दुकान बंद करनी पड़ रही है। हेलो गाइज, वेलकम करता हूँ आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो गाइज, आज तो मैं ही घर में अकेला रह गया, सभी लोग अपने काम से गए हुए हैं बाहर, और मैं अभी दूध लाया था चाय बनाने के लिए अपने लिए। बहुत भूख सी लग रही है, 8:30-9 बजने वाले हैं, तो अभी चाय पी लेता हूँ। फिर आज दुकान भी जाना है, मम्मी तो दुकान पे ही है, तो अभी चाय बना लेता हूँ अपने लिए। पानी रख दिया मैंने चाय बनाने के लिए, लेकिन इसमें चीनी नहीं है, थोड़ी सी बच रही है, तो अभी इसे बंद करके चीनी लाना पड़ेगा मुझे। पड़ेगी या कम पड़ेगी? कम लग रहा है मुझे तो, कम पड़ेगी, तो लेकर आ जाता हूँ चीनी। गाइस, जब तक मैंने दूध डाल दिया है, चीनी लाऊंगा तो थोड़ा ये उबल जाएगा, और उसके बाद चीनी पत्ती डाल दूंगा इसमें। भाई साहब, सही टाइम पे आ गया, ज्यादा गिरा तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, ज्यादा नहीं गिरा, एकदम परफेक्ट टाइम पे आ गया, एकदम सही टाइम पे आ गया। दूध गिरने ही वाला था, बस थोड़ा ही गिरा, उससे पहले मैंने कम कर दिया, इतनी जल्दी उबल गया यार। चलो चीनी पत्ती डाल देता हूँ अब मैं इसमें। गाइस, वैसे तो दूध कभी इतनी जल्दी ऊपर आता नहीं उसके पास खड़े रहो तो, लेकिन जैसे ही दूर जाओ, थोड़ी सी देर हुई हुई मुझे जाके, जल्दी जल्दी आया मैं, और इतनी जल्दी दूध ऊपर भी आ गया। गाइस साहब, बहुत तेज हो रहे हो। बड़ा ही दिमाग खराब होता है गाइस, अब अदरक ही नहीं है घर में, और अदरक के बिना चाय का मजा नहीं आता। थोड़ा पत्ती पत्ती की थोड़ी स्मेल सी आती ना, बढ़िया नहीं लगती, अदरक गिरता जब ही बढ़िया लगती है। चाची से देखता हूँ नीचे होगा क्या। चाची चाची, थोड़ा अदरक मिलेगा? लो गाइस, चाची ने भी बिना अदरक के चाय बनाई, चाची के पास भी अदरक खत्म हो गया। लो गाइस, आज बिना अदरक की चाय पीनी होगी, चाची के पास भी नहीं अदरक। गाइस बन के रेडी है चाय, तो पी लेता हूँ मैं चाय। तो मैंने चाय पी ली और नन्नू भी आ गई ऊपर, और खिलौने खिलौने हो रहा है कल से। ये कब के खिलौने? ये गांव वाले हैं क्या जो गांव में लिए थे? तो अभी मैं नीचे आया था क्योंकि चाची दे रही है मुझे चावल टिफिन में पैक करके, जो कि मैं दुकान पे खा पाऊंगा, क्योंकि अभी मैं दुकान जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा पैक करवा लेता हूँ टिफिन में और दुकान पे खा लूंगा। तो अभी चाची ने कर दिया पैक चावल, तो चलते हैं हम दुकान। और नन्नू भी नीचे आ गई, अब यहाँ खेल रही है, बस खिलौने फैलाती रहती है बस ये। गाइस दुकान, पहुंच गया गाइस दुकान पर। ये कहाँ से तोड़े? हाँ, इस पे बड़े बड़े हो गए ना गाइस, अब ये सही है। ये नहीं लगाया आज? चाची ने चावल बनाए थे तो मैं खाने वाला था, फिर मैं यहीं ले आया कि यहाँ बैठ के खा लूँगा। जाओ तुम। हाँ, ये डाल देता हूँ दुकान के ऊपर। बांध दिए गाइस तिरपाल। कैसी चल रही है आज दुकान? कुछ भी नहीं, सही चल रही। कितने दिन हो गए आज? जाओ तो तुम जाओ। हाँ, तो गाइज अभी एक काली चाय बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, और इसके बाद दो दूध की चाय बना ली और पैक करके देनी है।
गाइस काली चाय भी पैक करके दे दी और दूध वाली भी बना के मैंने पैक करके दे दी। और अब खा लेता हूँ जो मैं घर से लाया था चावल, वेज बिरयानी है, वो सोयाबीन के पुलाव बनाए हैं, खा लेता हूँ। ये ठंडे भी हो रहे हैं और ज़्यादा ठंडे हो गए तो फिर अच्छे नहीं लगेंगे, तो ये खा लेता हूँ। सोयाबीन के चावल बने हैं, मस्त बनाया है चाची ने, स्वाद आ गया एकदम। तवा मैं पैक करवा के ले आया, एक मन कर रहा था लाओ ले जाऊं या नहीं ले जाऊं, फिर मन कर रहा लेके ही जाता हूं, भूख लगी खा लूंगा तो बढ़िया हुआ। गाइस बड़ा ही बुरा हाल हो रहा है, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज्यादा धूप पड़ रही है और मैं बैठा हूँ। और गाइस बैठना भी गाइस जब ही अच्छा लगता है, दुकान बिल्कुल नहीं चल रही गाइस। पिछले 10-15-20 दिन से, जब तक मैं मुंबई से आया उससे पहले से ही, मैंने आपको ब्लॉग में ही बताया, दुकान जब से लेकर अब तक एकदम चल ही नहीं पा रही। जिनसे हम सामान ले रहे हैं उनके पूरे पैसे नहीं दे पा रहे, खुद के लिए कुछ निकाल नहीं पा रहे, मतलब बहुत ही बेकार कंडीशन हो रही है एकदम। दुकान की चीज़ें जल्दी जा नहीं पा रही गाइस। इतनी धूप में बैठना भी चलो जब अच्छा लगेगा ना, जब ग्राहक आ रहे हैं, सामान जा रहा है, हाथ चल रहा है, भाई देते रहो, लेकिन गाइस एक एक घंटे में ग्राहक आ रहे हैं और मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा बैठना, एकदम ग्राहक आ ही नहीं रहे। और गाइस सही बात है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है तो कोई कौन ही चाय पिएगा, मतलब ये तो बिल्कुल वही बात है कि इतनी गर्मी में कोई चाय पिएगा ही नहीं, तो मुझे भी पता है बिल्कुल नहीं चल रही गाइस। जब मैं बम्बई गया ना उससे कई दिन पहले से ही दुकान नहीं चल रही, मैं ब्लॉग में भी बता रहा था, लेकिन यही सोच रखे थे एक अच्छी कल चल जाएगी, चलो मतलब जिससे हम सामान ले रहे हैं उसके भी हम पूरे नहीं दे पा रहे, अपने लिए भी निकाल नहीं पा रहे, इतनी गर्मी में बैठ भी रहे हैं तो वही थोड़े मतलब एक एक घंटे में ग्राहक आ रहे हैं। ग्राहक आते हैं ना हर दो मिनट में, कितना अच्छा लगता है देते रहो सामान, चाहे 5 रुपये का ले, लेकिन यार एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे में ग्राहक आ रहे हैं वो भी 5 का ले रहे हैं, और क्या ही गाइस बेकार हाल हो रहा है गर्मी में। मतलब गाइस सही बात है कि इतनी गर्मी हो रही है, इतनी धूप पड़ रही है, कौन चाय पिएगा, ये तो सही बात है, सोचने समझने वाली बात है। और ना गुटखा बीड़ी सिगरेट ये कुछ भी गाइस जा नहीं रहा है, ऐसी पीछे देख लो आप टंग रहा है पूरा भरा का भरा, मतलब एक दिन में एक बॉक्स जाएगा ना गाइस कसम से, जब जाके इनमें 10-15 रुपये का फ़ायदा होता है हमें, और एक दिन में पूरा क्या आधा भी नहीं जाने को तैयार हो रहा है तो क्या ही फ़ायदा होगा। और चाय तो बिल्कुल ही नहीं चल रही, सुबह शाम थोड़ी चलेगी उसके अलावा हो ही नहीं रहा गाइस, मतलब सही में बहुत बुरा हाल हो रहा है। मम्मी अपने लिए काम ढूंढ रही है क्योंकि दुकान चल ही नहीं पा रही और हमें रूम का किराया निकालना ही पड़ता है कैसे न कैसे, वो नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे, तो इस वजह से मम्मी को अपने लिए काम ढूंढना पड़ रहा है। और मम्मी कह रही है जे तू अकेला चला ले, लेकिन मैं चला तो लूँगा गाइस, लेकिन मैं क्या चलाऊँ जब चल ही नहीं रही दुकान। इस वजह से गाइस मैं अपने ब्लॉग भी सही से नहीं बना पा रहा, दुकान पर आता हूँ फिर दुकान पर बनाता हूँ। काफ़ी लोग के कमेंट भी आते हैं कि भाई दुकान का ही बताते रहो, तो फैमिली के साथ बनाओ, बाहर जाओ वहाँ बनाओ, कुछ बाहर का दिखाओ, लेकिन गाइस दुकान की वजह से मैं कर नहीं पाता। और दुकान गाइस ऐसी चल रही है तो बिल्कुल ही मेरा मन एकदम वो हो रहा है, मतलब क्या मैं ना ब्लॉग ढंग से कर पा रहा ना दुकान ढंग से चल रही, तो क्या ही करूँगा। इस वजह से यही मन कर रहा है कि दुकान को बंद ही कर दें, जबकि गाइस पूरा पता ही चल रहा है कि दुकान नहीं चलने वाली, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही, थोड़ी बहुत क्या चल रही है उसमें कुछ हो नहीं पा रहा। इससे अच्छा मैं अपने ब्लॉग पर फोकस करूँ, जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे, मैं कुछ इंटरेस्टिंग नहीं दिखाऊंगा तो मेरा चैनल कभी डाउन नहीं चला जाए। और मेरे गाइस व्यूज़ सही में ही डाउन जा रहे हैं अभी इस वक्त, शॉर्ट्स पर मेरे बहुत ही डाउन चले गए व्यूज़, और लॉन्ग पर तो बहुत ही कम आते हैं, लेकिन गाइस जब मैं अच्छी चीज़ लाऊंगा, अच्छा इंटरेस्टिंग ब्लॉग लाऊंगा तो आप भी ज़रूर देखो। तो इस वजह से गाइस यही सोच रहा हूँ मैं कि दुकान क्लोज ही कर देनी चाहिए हमेशा के लिए, लेकिन आप लोग अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ तो बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत सी चीज़ें समझ आती है, सीखता भी हूँ। तो इसके ऊपर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दीजिए, मुझे अपनी सलाह ज़रूर दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। और गाइस इतना तो पक्का कि दुकान नहीं चलने वाली इतनी गर्मी, और सब लोग ये कह रहे हैं अभी कुछ नहीं अगले महीने तो बुरा हाल होएगा, तो आज मैंने आपको ये सारी बात बता दी जो कि मेरे दिमाग में कई दिनों से चल रही थी। अब बस आप अपना कमेंट बताओ कि क्या करना चाहिए, मैं सही सोच रहा हूँ यानी। और बस गाइस अभी इतना ही कहता हूँ, काफ़ी ज़्यादा बोल लिया मैं वैसे, बस गाइस। तो गाइस ज़रूर से कमेंट करके बताना, देखो गाइस अब आप मेरा परिवार हो तो आपसे सलाह लेना तो बहुत ज़रूरी बनता है, तो ज़रूर कमेंट करके बताना, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। और अब पापा ने मुझसे आते ही ये कह दिया कि अब सामान मत लिख और सामान कुछ भी नहीं लाना, जितना भी ये पीछे बच रहा है इसे निकलने दे एक पहले, और फिर उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाए फिर उसके बाद दुकान बंद। तो गाइज़ आप कमेंट करके बताओ, फिर उसके बाद हम फाइनल डिसीज़न अपना करेंगे। गाइज़ पापा बोल रहे हैं अभी दुकान बढ़ा लो, इतनी जल्दी क्यों? बैठे कब से, 2 घंटे से ऐसे ही बैठे। चलो बड़ा, तो गाइज मुझे तो बड़ा दुख सा हो रहा है कि हमें दुकान बंद करनी पड़ रही है, पर
गाइस क्या करें सही में, अभी हम काफ़ी देर तक बैठ रहे, ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं गाइस, मतलब दुकान चल ही नहीं रही है, तो क्या ही करें गाइस, और कोई चारा नहीं है, बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए गाइस, आगे जाके कुछ और भी करेंगे, बस आपका सपोर्ट चाहिए गाइस। और अभी आधा सामान रख दिया है, बस ये रह गया है गाइस, बढ़ा ली है दुकान और चलते हैं अब घर गाइस, बहुत दुख सा हो रहा है मुझे तो। पहुंच गए गाइस, रखते हैं सारा सामान। गाइस रख दिया है सारा सामान यहाँ पर लाकर, अब बस दो चार दिन जाएंगे हम। क्या बात है, बंद कर रहे हैं दुकान। क्या मैटर हो गया? यही चल नहीं रही, मतलब बताना कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि चल ही नहीं रही जब से बम्बई से आए, जब से ही ऐसी हाल हो रहा है बहुत। मम्मी काम पे देखेगी मम्मी, और मैं व्लॉग्स करूँगा, यही करना होगा। गाइस मैंने चाचा चाची को भी बताया, वो भी एकदम हैरान हो गए कि क्या हो रहा है, मतलब वही दिक्कत वही हो रही है कि सेल नहीं हो पा रही सही से, कुछ निकल नहीं पा रहा, जिनके पैसे देने वो जा नहीं पा रहे, वो सब मैंने चाचा चाची को बताया, तो वही सब सोच में पड़ रहे हैं। गाइस आ गया हूँ मैं ऊपर, मुँह हाथ भी धो लिया है, बैठ गया हूँ मैं खाना खाने, और आज खाने में बनी है सेम की फली, और साथ में इसमें मम्मी ने डाले हैं शिमला मिर्च, और साथ में दही भी है, खा लेता हूँ। और सलाद भी बना काट रखा है मम्मी ने, और पराठा है, लच्छा पराठा, थैंक यू मम्मी, इतना अच्छा खाना, ऐसा खाना मिलता है ना तो दिल खुश हो जाता है गाइस। ये भी आ गई देखो गाइस भूखी, तो गाइस खा लेता हूँ खाना मैं। गाइस अभी मैंने खाना खा लिया है, अब करता हूँ मैं इस ब्लॉग का एंड, आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और गाइस आने वाले ब्लॉग में मैं और मेहनत करूंगा और अच्छे बनाने की कोशिश करूंगा, बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।